आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार आप अपने YouTube चैनल का हैंडल नेम चेंज कर सकते हो। देखो, आपका कोई भी रीज़न हो हैंडल नेम चेंज करने का, कोई भी आपकी मर्जी है, लेकिन एक छोटा सा रीज़न मैं आपको बता देता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल अपना एक टैग न्यूरो चैनल है, अब कोई भी बंदा टैग न्यूरो नाम से चैनल क्रिएट करता है तो उसको ये टैग न्यूरो नाम का हैंडल नेम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मैंने पहले से ले रखा है तो उसको या तो कुछ ऐसा मिलेगा टैग न्यूरो 2950, टैग न्यूरो 31, मतलब कुछ नंबर्स ऐड कर दिए जाएंगे यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिक। अगर वो अपनी मर्जी से भी कुछ लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। लेकिन देखो, फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में कभी भी अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना चाहोगे, कभी भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो अपने लॉन्ग वीडियोस के ऊपर, या फिर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हो, आप शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रहे हो, तो शॉर्ट्स सेक्शन में आपके चैनल का हैंडल नेम शो होता है। आप कभी भी शॉर्ट वीडियो चला के देख लेना, वहां पर आपको सिर्फ हैंडल नेम शो होगा। इसलिए हैंडल नेम अच्छा रखना जरूरी है। अब देखो, आप किसी का हैंडल नेम ऐसे देखोगे जैसे अपने चैनल का टैग न्यूरो 2950, अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर मैं इसको हैंडल नेम ऐसे कर देता टैग न्यूरो ऑफिशियल, अच्छा लगेगा। टैग न्यूरो या फिर कुछ और वर्ड ऐड कर देता मेरी तरफ से जो अच्छा लगे, तो हैंडल नेम अच्छा लगेगा भाई, देखने में थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ेगा। देखते हैं किस प्रकार आप अपने YouTube चैनल का हैंडल नेम चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं। एक ही तरीके के ऊपर बात कर लेते हैं, बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब ये है, आपको अपने चैनल की जो प्रोफाइल है उसको एडिटिंग में, एडिट में चले जाना है। वो आप किस प्रकार जा सकते हो, यूट्यूब एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हो और यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो आपको अपनी यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आगे मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। YouTube एप्लीकेशन ओपन करोगे तब आपको कोने में जो आपका जो चैनल के जो आइकन है, मतलब जिस चैनल का आपको हैंडल नेम चेंज करना है, वो YouTube स्टूडियो में आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब जो ऊपर प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखाई जाती है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मैंने अपना दूसरा चैनल निकाल रखा है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट चैनल प्रोफाइल का आइकन आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको बैनर की फ़ोटो, उसके नीचे आपको चैनल उसकी फ़ोटो और उसके नीचे आपको हैंडल नेम दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तो देके दिखाया था कि गिग न्यूरो नाम से चैनल है तो गिग न्यूरो नाम से हैंडल रखो। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा वर्ड उसके साथ ऐड कर दो ताकि इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता गिग न्यूरो है, अब यहाँ पर मेरे को हैंडल नेम नहीं मिल रहा है, ये ऑलरेडी है किसी के पास, तो मैं क्या करूँगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ कुछ 52829 मैंने कर दिया, अभी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ऑफिशियल वगैरह लगा दूँ, ऑफिशियल मैंने लगा दिया, देखो ये भी है, तो ऑफिशियल अच्छा लग रहा है ना, गिग न्यूरो ऑफिशियल, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। बट अगर मैं इसके यहाँ पर नंबर्स लगा दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो नेम अवेलेबल होगा उसके लिए आपको ऊपर ब्लू कलर में सेव का आइकन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर सेव का आइकन आपको ब्लू देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। अब जैसे मैं चेंज करना चाहूँगा तो सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो मेरा नेम है वो सेव हो जाएगा। और एक बात और बता दूँ, अगर आप कोई भी URL यहाँ पर जो हैंडल नेम है वो सिलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे। इसके लिए आपको एक पास सिंपल सा तरीका है, वो है आप 14 दिनों के अंदर हैंडल नेम दोबारा से चेंज कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार में अच्छा नेम सेलेक्ट करके, एक अच्छा हैंडल नेम सेलेक्ट करके लगा दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ ऐसे और धमाकेदार वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।